के जो ऊपर लाया जाता है, ठीक है, देख सकते हो पूरा बारीकी से इसमें बनाया जा रहा है गाइस। पूरा दोनों साइड जो है बनाया जाएगा फूल, और ब्रेड कटिंग दिया जाएगा, अच्छे से काम इसमें किया जाएगा, ताकि जो है भविष्य में लोग, ये जो है तार है ये बहुत ही खतरा वाला तार है जैसे कि आप लोग बताए, और ये इसके लेवल में आ गया है इसका, इसी चलते जो है यहाँ पर काम को बंद किया गया। और देखिए नीचे से जो रोड क्रॉस हुआ है, और मेरा दोस्त भी आया हुआ है साथ में, इसको भी लेते आए हैं गाइस, देख सकते हैं धूप में करिया हो गए हैं गाइस हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी गाइस हम जो है बॉर्डर के पास है, जहाँ पर रामगढ़ का बॉर्डर और बोकारो का बॉर्डर है, जैसे कि आप लोगों को आगे दिखाएंगे अभी वहाँ पर कहाँ पर बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ से आप लोग पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। अगले बार जो है यहाँ का नज़ारा आप लोग नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्क वगैरह चल रही थी पूरा जोरों शोरों से, ठीक है। यहाँ पर दिखाएं किस प्रकार से पत्थर को काटा गया और किस प्रकार से यहाँ पर जंगल में जो है पूरा गहराई तक जो है मिट्टी भराया गया है, ठीक है, सारा कुछ अपडेट देंगे इस यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा आप लोग दिखाएंगे, फोर लाइन का जो जनाम मोड़ से लेकर और मांझी तक जो फेज वन का काम हो रहा है उसका आप लोग दिखाएंगे, यहाँ का नज़ारा सारा कुछ डिटेल में होगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं अभी जो है हम बॉर्डर पास है, जहाँ पर रामगढ़ का बॉर्डर और बोकारो का बॉर्डर आगे है, वहाँ पर जो है बीच में रोड क्रॉस हुआ है, वहाँ का आप लोग नज़ारा दिखा रहे हैं। अगले बार दिखाएं तो आप लोगों को वहाँ का नज़ारा, अभी जो है ये साइड दिखा रहे थे, अगले बार जो है सब में जो है वर्क हो रही थी, पूरा जो है मिट्टी वगैरह गिर रही थी, तो ये फाइनली पूरा जो है यहाँ पर मिट्टी वगैरह गिर चुका है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें पूरा जो है मिट्टी भराया गया, देख सकते हैं कितना ऊपर तक इसमें मिट्टी भराया गया, दिखाते हैं आप लोग सामने जा करके, देख सकते हैं जंगल कितना नीचे तक था और कितना गहराई तक इसमें मिट्टी भराया गया, देख सकते हैं आप लोग, पूरा नीचे तक जो है गया, जिसमें जो है उसी तरह था नीचे, और इसमें जो है मिट्टी पूरा भराया गया, इतना ऊपर तक लेवल किया गया और अंतिम चरण तक यहाँ पर लाया गया, और बगल में जो है 33,000 का तार क्रॉस हुआ, इसी चलते यहाँ पर जो है काम को रोक दिया गया, ठीक है। अभी 33,000 का इसका जो है कुछ अलग ही इसका उपाय निकाला जाएगा, इसको ऊपर किया जाएगा या तो अलग साइड से इसको लेगा जाएगा, तब जाके यहाँ पर काम वगैरह शुरू किया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है तार है ये बहुत ही खतरा वाला तार है जैसे कि आप लोग बताए, और ये इसके लेवल में आ गया है इसका, इसी के चलते जो है यहाँ पर काम को बंद किया गया। और देखिए नीचे से जो है किस प्रकार से यहाँ पर वर्क किया गया, कितना नीचे मिट्टी भराया गया, देख सकते हैं आप लोग, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वहाँ पर गड्ढा है, गहराई है, ठीक है। उधर नाला भी बहा हुआ है, देख सकते हैं बराबर पानी वगैरह बह रही है, और पुराना वाला उधर रोड क्रॉस हुआ है, और मेरा दोस्त भी आया हुआ है साथ में, इसको भी लेते आए हैं गाइस, देख सकते हैं धूप में करिया हो गए हैं गाइस हम। हमको करिया करने के लिए आया है मेरा दोस्त। बोल रहा है धूप लग रहा है तो करिया हो जाएंगे हम, लेकिन आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग पूरा अपडेट दे सकें किस प्रकार से जो है काम वगैरह होता है एक्सप्रेस वे वगैरह में, ठीक है। देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पूरा मिट्टी भराया गया, देख सकते हैं जो उधर वाला पत्थर काटा गया ना उसी को मिट्टी को ला करके जो है यहाँ पर भराया गया। क्या धोखा हुआ है दोस्तों, ये लड़का अपना वीडियो चक्कर में हमको करिया कर रहा है धूप में, धोखा अच्छा। हुआ है और यहाँ कुछ अपना जान दे देंगे, ऐसा मत बोलो। और ये देखिए गाइस, इसमें जो है गाइस लंबा चौड़ा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, क्योंकि दोनों साइड जो सर्विस रोड भी रहने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये रोड में जो है फोर लाइन का रोड में जो है पूरा सर्विस रोड दोनों साइड रहेगा। देख सकते हैं चट्टान किस तरह से निकला हुआ है साइड में, कितना बड़ा बड़ा चट्टान है गाइस, पत्थर है, इस पत्थर को सबको जो हटाया जा रहा है ताकि भविष्य में जो है ये डेंजर ना हो सके, हानि ना पहुंच सके, इसी चलते, ठीक है। आगे तक आप लोगों को दिखाएंगे रोड तक किस प्रकार से यहाँ पर काम वगैरह हो रहा है, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर चट्टान है, सारा को हटाया जाएगा सारा, और देख सकते पूरा जो इसमें जो रोड वोड चलाया गया तो पूरा जो है समथल किया गया, गाड़ी भी पूरा स्मूथ चल रही है इसमें, ठीक है, लग रहा है कि एक्सप्रेस वे बन रही है। झारखंड का ये पहला एक्सप्रेस वे है गाइस, तो बहुत ही हम लोग के लिए खुशी की बात है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं और वहाँ का दिखाते हैं पूरा नज़ारा यहाँ पर किस प्रकार से है। हाँ तो गाइस देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वर्क वगैरह हुआ है पूरा जोरों शोरों से, देख सकते हैं पूरा घना जंगल है गाइस। और यहाँ पर एक खास बात अच्छा है ये लगा कि छोटा छोटा जो भी प्लांट है उसको जो है प्लांट को जो है रीयूज किया गया, यानी उसको जो उठा करके दूसरे जगह लगाया गया है, ठीक है। उसको भी आप लोग को अलग वीडियो में दिखा देंगे, पूरा जानकारी के साथ बताएंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है साइड में पूरा मिट्टी भराया गया, पूरा यहाँ पर जो है गहराई तक था, ठीक है। और ये देखते हैं पूरा यहाँ पर चट्टान वगैरह को किस तरह से हटाया गया है, पूरा काटा गया है, और ये चट्टान सब का जो है गैस गिट्टी वगैरह भी बनाया जाता है, जिससे कि आप लोग प्लांट भी दिखाएंगे अगला वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं प्लांट वगैरह का दिखाया है, कहाँ पर प्लांट वगैरह है सारा कुछ में आप लोग को दिखा दिए। देख सकते बड़ा बड़ा यहाँ पर चट्टान निकला हुआ है साइड में, और ये सर्विस रोड इधर भी बनेगा, देख सकते हैं आप लोग,
वो जो देख रहे हैं आप लोग बन रहा है वो सर्विस रोड का इधर काम चल रहा है, ठीक है। दोनों साइड सर्विस रोड रहेगा, जैसे कि आप लोग बराबर आप लोगों को बताते रहते हैं सर्विस रोड बनने वाला है इसमें। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि गाँव वालों को भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। ये एक्सप्रेस वे और ये झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे है, तो बहुत ही खुशी है सबके लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, व्यू भी देखने में काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर जो है पुराना रोड के पास यहाँ पर फ्लाई ओवर बनेगा, यहाँ पर जैसे पुल का काम चल रहा है जोरों शोरों से, मिट्टी पूरा फोड़ के जो है किस तरह से बिल्डिंग लगा दिया गया है। यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर वगैरह रखा गया है इलेक्ट्रिक करंट सहायता चाहिए, मतलब उसको होल्डिंग वगैरह करने के लिए। देख सकते हैं वहाँ पर छड़ वगैरह का साइड में दिया जा रहा है, पुल वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो है पुराना वाला रोड आ गया, देख सकते हैं आपको आगे जो है बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर लगा हुआ है आगे, जहाँ पर जो उधर जो है बोकारो एरिया पड़ता है, इधर जो है रामगढ़ एरिया पड़ता है। थोड़ा सा रुको, देख सकते हैं कितना गहराई तक जो है पुल बनाया जाता है, कितना इसमें मजबूती से बनाया जाता है, कितना ऊपर तक इसमें मिट्टी भराया गया, नीचे तक से जो है इसमें बुनियादी जो है इसका जो है ढांचा जो है नीचे से जो है पूरा ढाल करके जो ऊपर लाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं पूरा बारीकी से इसमें बनाया जा रहा है, पूरा दोनों साइड जो है बनाया जाएगा पुल, और ब्रेकेटिंग दिया जाएगा, अच्छे से काम इसमें किया जाएगा ताकि जो है भविष्य में ये लंबा समय तक चल सके, ठीक है। कोई भी इसमें लापरवाही का काम नहीं हो रही है, पूरा देख सकते हैं उसमें गाड़ी चल रही है पुराना रोड में, और आगे जो है वहाँ पत्थर खुड़ाई का भी वहाँ पे चल रहा है, वो उसका भी वीडियो आप लोग अलग वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देखें किस प्रकार से है, पूरा नज़ारा आप लोग दिखा दें यहाँ पर किस प्रकार से काम चली थी, पिछला वीडियो नहीं दिखा पाए थे काम वगैरह चल रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आई होप आप लोगों को यहाँ का वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसके बारे में कोई जानकारी मिल सके किस प्रकार से जो है रोड बनती है, एक्सप्रेसवे वगैरह सारा कुछ डिटेल में दिखाएं आप लोगों को। चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।